गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल लीजिए थर्ड क्लास की बुक। हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन आंसर मैंने दोबारा इनको करवा दिया है, मैंने याद भी करवा दिया। सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सेकंड लेसन के शब्दार्थ हैं जो बुक में दिए गए हैं, आप अपनी बुक में से देख के इनको लिख लेना, लेकिन जितना ही आपको याद है वो आपको क्या करना है, मन से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपना पढ़ो और बोलो। तबादला, निर्णय, शोक, योगदान, जोश, मुक्त, संस्कारवान, स्वभाव, सजग और प्रशंसा, ये शब्द क्या करना है आपको बार बार उच्चारण में लेना है और इनको लिखना भी है। नेक्स्ट है मौखिक के लिए कहा है लेकिन आपको लिखना भी है। पारस कौन था? पारस 12 साल का, 12 वर्ष का, 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी था। ये देखो 9 पेज नंबर पे निकालो, 9 पेज नंबर पे फर्स्ट वाली लाइन देखिए, इसमें आप लिखोगे 12 वर्ष का। पहली लाइन है, लेसन जब स्टार्ट हो रहा है उसमें पहली लाइन है, 12 वर्ष का पारस 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस के पिता किस विभाग में अधिकारी थे? 9 पेज नंबर पे जहाँ आपने पहला लगाया है जस्ट उसके बाद में देखिए, दूसरा लग रहा है उसके पिता अशोक शर्मा वन विभाग में अधिकारी थे। उसके पिता अशोक शर्मा वन विभाग में अधिकारी थे, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, यहाँ तक लगा लेना। तीसरा देखिए, पारस अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहा था? लिख लीजिए इसको आप, दो क्वेश्चन बुक में मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा लिखिए, पारस अपने परिवार के साथ, क्वेश्चन बुक में से लिख लेना, पारस अपने परिवार के साथ लखनऊ जा रहा था। क्या कर रहा था? लखनऊ जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला, सही उत्तर पर सही का निशान और रोंग पर रोंग का वो, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इनको आपको इनमें से देखकर टिक लगाना है कि कौन सा सही है। पारस को बचपन में से ही शौक था कबड्डी खेलने का, अभिनय करने का, भाषण देने का या रेल यात्रा का। पारस को बचपन से किसका शौक था? रेल यात्रा का, तो रेल यात्रा पे टिक लगा लेना। पारस को कौन सी कहानियां पढ़नी अच्छी लगती थी? जासूसी की, परियों की, राजा रानी की या जादूगरों की? किसकी लगती थी? जासूसों की, तो इसके ऊपर आप जासूसों के ऊपर टिक लगा लेना। अटैची के गिरने से बदमाश हो गया बेहोश, क्रोधित, धराशाही या घायल? क्या हो गया था वो? बेहोश हो गया था जब पारस ने अटैची से, जो बदमाश आतंकी जो आए हुए थे रेल यात्रा में, उनके ऊपर सिर पे दे मारा था, जिससे क्या हुआ था, वह बेहोश हो गए थे, तो बेहोश के ऊपर आप टिक लगा लेना। ठीक है, ये मैंने आपको लिखने के लिए एक बार तो बता दिया था, दोबारा आपको इनको नोटबुक में लिखना है और साथ साथ इनको क्या करना है, आप याद भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू।